हेलो वन वेलकम बैक एवरी मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल सो so गाइज़ आज जिस वीडियो पे हम वर्क करने वाले हैं वो वीडियो शायद ही आपको ओवरऑल यू, यूट्यूब पे मिले या हो सकता है मिल मिल भी जाए लेकिन आपको आज एक नए तरीके से और नया वीडियो हम बताने वाले हैं ठीक है ये वीडियो बेसिकली हम बिल्ड करने वाले हैं एक रेडी ऐप अब आप लोग सोच रहे हो रेडी ऐप क्या है तो रेडी ऐप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक हो गया लिंकड हो गया ट्विटर हो गया इसी तरीके से रेडी ऐप भी है जहाँ पर स्टडी और बिजनेस के पर्पस के लिए रेडी ऐप बनाया गया है और प्योरली वहाँ पर स्टूडेंट्स ही आपको मिलते हैं बिजनेस मिलते हैं ठीक है थीके? ये एप्लीकेशन का हम थोड़ा सा हिस्सा क्लोन करने वाले हैं थोड़े से हिस्से का मतलब है जैसे पोस्ट लाइक करना शेयर करना वोट करना अप वोट करना डाउन वोट करना पोस्ट अपडेट करना इन सारी चीज़ों पे हम वर्क करने वाले हैं तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आपको अपने यूट्यूब पे ले चलते हैं उससे पहले एक स्मॉल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए क्योंकि यही आपकी अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी क्योंकि यहाँ पे आपको एंगुलर के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे ठीक है और अगर आप हमारे नए चैनल चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट जरूर वॉच करें जितनी प्ले है सारी की सारी रेडिट ऐप का क्लोन ऐप ठीक है रेडिट एक वेबसाइट है आप लोग जानते होंगे अगर आप सोशल मीडिया से अटैचड हैं तो और नहीं जानते तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ वहाँ पर थोड़ा सा एक डेमो दिखा देता हूँ ठीक है तो गाइज़ मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ ये रहा हमारा रेडिट की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर मेरा प्रोफाइल ओपन है टेस्टी कोडीज का ठीक है यहाँ पे नए बार पोस्ट वगैरह क्रिएट पोस्ट वगैरह है तो यहाँ पे सपोज टाइटल देना पड़ता है हमें और डिस्क्रिप्शन पे लिंक या तो टेक्स्ट देना पड़ता है तो यहाँ पे टाइटल मैं दे देता हूँ रेडिट क्लोन प्रोजेक्ट ठीक है क्योंकि रेडिट इसी रेडिट का क्लोन प्रोजेक्ट का छोटा सा डेमवर्क मैं बनाने की कोशिश किया हूँ आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें आने वाली रिलेटेड वीडियो और लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगे देखो यहाँ पे टेक्स्ट में मैं लिख दे रहा हूँ हैश टैग टेस्टी कोडीज़ और यहाँ पे हैश टैग एंगुलर प्रोजेक्ट और इस तरीके से मतलब आप जो भी देना चाहो टेक्स्ट लिख सकते हो या कोई यू डाल सकते हो उसके बाद आपको पोस्ट पर क्लिक कर देना है जब आप पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं क्लिक करते हैं तो आपका ये पोस्ट सक्सेसफुली पोस्ट हो जाता है ठीक है देखो पोस्ट हो गया और यहाँ पे दिखने लगा मुझे पोस्ट ठीक है तो यहाँ पे आप वोटिंग दे सकते हैं वोट कर सकते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट कैसा है मतलब अभी हंड्रेड परसेंट अप वोट है यहाँ पे अप वोट और डाउन वोट चलता है अप वोट मतलब हो गया कि आ, मतलब पोस्ट को काफ़ी लोग लाइक करें कमेंट्स कर सकते हैं ठीक है पोस्ट को अप्रूव कर सकते हैं तो इन सारी चीज़ के बहुत सारे फीचर हैं यहाँ पे लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको क्रिएट पोस्ट वाला सीन बताने वाला हूँ वोट का बताने वाला हूँ अप वोट एंड डाउन वोट बताने वाला हूँ ठीक है <coughs> तो पेशेंस बनाएँ और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो प्लीज़ माइंड मत करना क्योंकि आप प्रोजेक्ट जानते हो लाइव बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो हमारा जैसे प्रोजेक्ट एक एक, एक चीज़ में बताऊंगा एक एक चीज़ समझते चलना तो चलिए मैं नोट पैड पर लिख रखा हूँ एंगुलर ट्वेल्व रेडिट प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच रेडिट क्लोन इन एंगुलर ठीक है रेडिट को अपने एंगुलर पर लाऊँगा सबसे सब पहली चीज़ आपको क्या करना है इंस्टॉल एन पी एम इन विंडो मशीन अपने विंडो मशीन या लिनक्स मशीन या मैक Mac मशीन में आपको एन पी एम इंस्टॉल करना है थ्रू द एन पी एम आई कमांड और मैं बता दूँ ये वीडियो मैं बना रहा था उस समय एंगुलर ट्वेल्व था और जैसे ही दूसरे दिन मैं जंप किया और रन कराया प्रोजेक्ट वैसे ही एंगुलर थर्टीन आ गया <coughs> तो कुछ कोड मैं एंगुलर थर्टीन का यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या फेस है वैसे तो मैं सारी चीज़ें बता दूंगा ठीक है अब यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करके यहाँ पे एन पी एम इंस्टॉल कर रहे हैं एन पी एम इंस्टॉल करने का वही सिंपल सा कमांड है मैं सारे वीडियो में बताता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि एक एक चीज़ मुझे बताना पड़ेगा ठीक है तो मैं यहाँ पर एन पी एम आई दे के यहाँ पर हम एन पी एम इंस्टॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली एंगुलर इंस्टॉल हो चुका है जो कि ट्वेल्व पॉइंट टू पॉइंट ट्वेल्व वर्जन है और बहुत ही कूल cool और बहुत सिंपल तरीके से हो गया है आप लोग देख सकते हैं इसके बाद हमें करना क्या है अब आप समझिए क्रिएट ए प्रोजेक्ट ठीक है एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंगुलर में उसके बाद उस प्रोजेक्ट को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करेंगे किस तरीके से रेडिट क्लोन के रेडिट को क्लोन करेंगे ठीक है तो चलिए यहाँ पर क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे कमांड देना पड़ेगा एनजी इस्पेस न्यू एस्पेस प्रोजेक्ट नेम आपको जो भी देना हो तो मैं रेडिट क्लोन कर देता हूँ या रेडिट कर देता हूँ जो भी आप देना चाहो ठीक है तो आप इस तरीके से कमांड देके कमांड कमांड प्रॉम पे फायर करके ये कमांड आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस सी से मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पर सिंपली मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया लेकिन नहीं आया मैं इसको रिमूव करूँगा फिर से अगेन इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ इसको यहाँ से सिलेक्ट किया मैं कॉपी किया और यहाँ पर सिंपली इसको मैं पेस्ट कर दूंगा ठीक है ये देखो पेस्ट कर दिया और इंटर कर दिया अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगता है अगर आप लोग नहीं जानते हो तो जान लीजिए यहां पे आपसे मांगा हो यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग तो आपको वाई कर देना है एस कर देना है क्योंकि आपको मैनुअली करने में मुझे पता है अगर आप बिगने हैं तो आपसे एरर हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर स्टाइल सीट का फ्रेमवर्क कई सारे हैं तो कोई भी आप चूज कर लो मैं चूज करूंगा सी उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा ठीक है तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है <coughs> <coughs> तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र चाहिए मेरा इंस्टॉल हो चुका है अब मैं डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा थ्रू द कोड स्पेस डॉट जिससे कि विजुअल स्टूडियो कोड पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाए ओके सो so, यहां पर मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है विजुअल स्टूडियो कोड में हो चुका ठीक है यहां पे मैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल पहले ओपन करता हूं पता नहीं क्या हो गया यार गले में ओके okay, तो यहां पर हमारा मास्टर में मैं हूं अब मैं यहां पर सबसे पहले एनजी सर्व करूंगा अपने प्रोजेक्ट को रन कराऊंगा प्रोजेक्ट रन कराने के लिए एनजी इस्पेस एस स्पेस हाइफन ओ कर देने पे ये लोकल होश फोर टू डबल जीरो पे आपका प्रोजेक्ट रन करके ओपन करके दे देगा जो कि ब्राउज़र पे लोकल होश फोर टू डबल जीरो पर वर्क करेगा और मैं बता दूं इस वीडियो के साथ साथ ही मैं आने वाली वीडियो पे मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने लोकल प्रोजेक्ट को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जो रन कराते हो उसको अपने मोबाइल पर कैसे रन करा सकते हो उस प्रोजेक्ट को ठीक है तो प्लीज़ आप वीडियो पर्टिकुलर एक एक वीडियो देखते रहिए चैनल पे बने रहिए क्योंकि मेरी वीडियो पड़ती रहेगी इस समय थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ इस वजह से थोड़ा वीडियो एक दो दिन डिले हो जा रहा है अदरवाइज जैसे मैं कंटिन्यू डालने लगूंगा फिर आपको सब चीज़ एवरीथिंग एक एक चीज़ मिलेगा ठीक है तो मैं ऐप कंपोनेंट डॉट एच के सारे डेटा को मैं यहाँ रिमूव करने वाला हूँ विदाउट आई बिना uh, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो आई डोंट नीड दिस सो सिंपली आई जस्ट सेलेक्ट ऑल दिस थिंग्स एंड आफ्टर आई विल रिमूव इट ओके सो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है सबसे पहले तो मुझे एच वन टैग में प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है ठीक है एच वन टैग में प्रोजेक्ट का टाइटल लिखने का मतलब एंगलटल रेडिट क्लोन प्रोजेक्ट ठीक है आप ऐसे लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं आपको जो भी मन हो आप चाहो तो यहाँ नेब बार डाल सकते हो आप चाहो तो यहाँ पे कूल सा जैसे रेडिट का प्योर क्लोन में ऐप का नेब बार है उसको आप कॉपी कर सकते हो क्योंकि मुझे पता है आप लोग हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हो आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि आप लोग बना सकते हो ठीक है तो यहाँ पे देखो आ, मैं सिंपली जो कर रहा हूँ मैं सिंपली एक फंक्शनलिटी ऐड करता हूँ मैं सिंपली चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हो ठीक है तो पहले नोट पैड में मैं लिख देता हूँ रन द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रन करने का कमांड भी यहाँ लिख देता हूँ आप एक एक चीज़ इसलिए बताता चल रहा हूँ जिससे कि आप कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आप बिगनर हो तो भी आपको बहुत जल्दी गैदर कर लें बहुत जल्दी समझ लें और यहाँ पे बूट स्ट्रैप मैं यूज़ कर रहा हूँ सी के थ्रू तो बूट स्टैप के लिए आपको सिंपली नेव टैब ओपन करना है और जाना है गेट बूट स्टैप डॉट कॉम पर जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ ठीक है तो मैं यहाँ पे आया गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ सी का है जो कॉपी का बटन है कॉपी पे क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा प्रोजेक्ट ओपन करना है एस फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एस पे आना है और लिंक टैग के नीचे आपको इसको पेस्ट कर देना है और मैं एक चीज़ बता दूं अगर मेरी आवाज़ थोड़ा फास्ट हो तो प्लीज़ आप यूट्यूब के सेटिंग में जाएँ प्लेबैक स्पीड की स्पीड को थोड़ा स्लो कर लें ठीक है जिससे कि आपको भी समझ में आएगा धीरे धीरे आवाज़ आएगी ठीक है मतलब स्लोली स्पीड हो जाएगा आफ्टर दैट मैं JS फाइल को भी मैं कॉपी करूँगा और ऐप रूट के नीचे इसको पेस्ट कर दूँगा बॉडी सेक्शन जहाँ क्लोज़ हो रहा है उसके ऊपर करूँगा ठीक है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जल्दी कदर कर लेते हैं कुछ लोग होते हैं स्लोली समझते हैं तो प्लीज़ माइंड मत करना और वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा होगा ये वाला इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ जिससे कि प्रॉब्लम ना हो आप लोग के यार मैं आप लोग की फेवर में वर्क करता हूँ तो प्लीज़ आप लोग अटेंशन दे सकते हैं कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी लोग से कहता हूँ पर कोई करता नहीं पर कोई नहीं मेरा का, तो काम ही है बताना ठीक है तो मैं पहले इसको टेक्स्ट सेंटर करता हूँ देखो मेरा प्रोजेक्ट एक, एक, इसका मतलब है हमारा बूट स्टेप प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्योंकि बूट स्टेप की क्लास है टेक्स्ट सेंटर और मैंने एच को टेक्स्ट सेंटर दिया वो सेंटर ऑटोमेटिकली हो गया That's fine. अभी तक मेरा सारा का सारा वर्क एकदम परफेक्टली कर रहा है ठीक है अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ एंगुलर फॉर्म्स एंगुलर फॉर्म्स कहाँ से उठाऊंगा मैं गेटबुट स्टेप डॉट कॉम से उठाऊंगा वहाँ से एक छोटा सा फॉर्म लूँगा और उसको अपने अकॉर्डिंगली मैनुपलेट करूँगा ठीक है तो एंगुलर फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं तो एक काम करते हैं पहले मैं क्या इसमें ऐड कर दूँ वन सेकेंड एक्चुअली क्या होता है ना कि uh, थोड़ा सा बनाते रहो कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पे मैं डिजाइनिंग पहले ऐड करूँ ठीक है ऐड डिजाइनिंग मतलब थोड़ा सा मतलब और हाँ यहाँ पे मैं एच टी एम एल सी एस एस सारी चीज़ें मैं देखता चलूँगा ठीक है जे एस टी एस क्योंकि आ, क्या है ना कि ये प्रोजेक्ट पूरा स्क्रैच से है तो स्क्रैच का मतलब ये होता है कि अगर मैं सी भी लिख रहा हूँ तो उसको भी बताऊँ जे एस लिख रहा हूँ तो जे एस बताऊँ टी एस लिख रहा हूँ टी एस बताऊँ एच डी एल लिख रहा हूँ एस टी एल बताऊँ सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट ए कंटेनर एंड आफ्टर दैट गिविंग इन द ड्यू सेक्शन एच थ्री टैग एंड एच एच थ्री टैग के अंदर मैं डालता हूँ एड पोस्ट ठीक है यहाँ पर मैं पोस्ट ऐड कर रहा हूँ <coughs> उससे पहले मैं एक रो लेता हूँ जिससे कि हमारा सेपरेटली हो जाए तो रो का आप लोग को पता है फिफ्टीन परसेंट मार्जिन फिफ्टीन परसेंट पैडिंग होता है कुछ माइनस कुछ प्लस में होता है तो या तो ट्वेंटी फाइव समथिंग में होता है कुछ मैं इतना ज़्यादा डिजाइनिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे इतना आइडिया है इतना कि होता है ठीक है और इसको एम डी कॉल सिक्स लेता हूँ अभी तो मैं यहाँ पर एम डी कॉल सिक्स लेकर आपको दिखा दे रहा हूँ लेकिन आगे मैं जब वर्क करूँगा तो इसको भी मैं डिज़ाइन अपने हिसाब से करूँगा रो हटा दूँगा क्योंकि, क्योंकि कस्टम भी सीसेस यहाँ कुछ ऐड करूँगा जिससे कि आपको देख के ना मज़ा आ जाए ठीक है तो बस पेशेंस बनाए रखें वीडियो को पूरा जरूर देखें जैसे कि एक बार मैं आप समझूँगा और हाँ आप कॉपी पेन उठा लीजिए जो भी इंपॉर्टेंस लगे आप नोट करते चलिए अपने अकॉर्डिंगली ठीक है ठीक है यहाँ पे मैं इसको सेव किया एड पोस्ट किया देखो चार टैग्स कितना प्यारा सा आ रहा है बहुत शानदार लग रहा है ओके नो मुझे चार टैग एचल यहाँ पर करना है <coughs> और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फॉन्ट ऑसम awesome भी यूज़ करेंगे ठीक है थोड़ा सा फॉन्ट ऑसम यूज करेंगे बाकी मतलब एज ए समझाने के पर्पज़ से अगर आप नए हो तो फॉन्ट ऑसम awesome कैसे यूज़ किया जाता है तो जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो आप समझ लें पूरा ठीक है चलो अब यहाँ पे मैं एक ड्यू टैग लेता हूँ जिसका क्लास टाइटल अंडरस्कोर कंटेनर लेता हूँ और एंटर करता हूँ इसके अंदर मैं लिखूँगा ए लेबल यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म बनाऊंगा ठीक है यहाँ पे दिया टाइटल ये एक तरीके का फॉर्म ही बन रहा है लेकिन ये फॉर्म प्योर फॉर्म नहीं है फॉर्म टैग के अंदर वर्क नहीं करूंगा मैं ठीक है अभी तक तो मैं जितना वर्क कर रहा था फॉर्म टैग के अंदर वर्क कर रहा था आप लोग सोच रहे थे कि सारा चीज़ तो फॉर्म से करते हैं अब आज ये वीडियो में देख लेना आप कि मैं बिना फॉर्म के कैसे डेटा को मैं सेंड करता हूँ और बिना फॉर्म के कैसे इनपुट डेटा को मैं गैदर करता हूँ ठीक है यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेगी अगर आप एक बार समझ गए ना ये प्रोजेक्ट पूरा तो मैं कहता हूँ आपका जे का टी का काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो कि आप कभी नहीं बोलोगे और हंड्रेड परसेंट गट्स के साथ कह सकता हूँ ये चीज़ और काफ़ी इंटरव्यू में आपको हेल्प मिलेगा ठीक है तो यहाँ देखो सिंपल सा एक इनपुट टैग लिया इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइटल नहीं यहाँ पे लिंक कंटेनर दे देता हूँ यहाँ पे फॉर लेबल दे, दे देता हूँ लिंक और यहाँ पे टाइप टेक्स्ट आईडी में लिंक दे देता हूँ और यहाँ पे टाइटल जो है वन <laughs> सेकेंड hmm. इसको मैं एक काम करता हूँ सेव करता हूँ एक बार चेक कर लेता हूँ कि आउटपुट कैसा है उससे पहले एक बटन ऐड कर लेता हूँ बटन डॉट बी टी एन डॉट बी टी एन सक्सेस, ठीक है एक सक्सेस बीटेल लेता हूँ और यहाँ पे सबमिट दे देता हूँ वैल्यू या ऐड डेटा दे देता दे हूँ या ऐड दे देता दे दे हूँ कुछ भी दे सकते हो आप या पोस्ट दे सकते हो फ़र्क नहीं पड़ता बस आपका अच्छा दिखना चाहिए बस हो गया ठीक है अब यहाँ पे हमारा ऐड पोस्ट पे एकदम सही है अब यहाँ पे टाइटल टाइटल दिख रहा है तो जिसको मैं लिंक कर देता हूँ पहली चीज़ सेव करता हूँ और यहाँ पे अब थोड़ा सा क्लास ऐड कर देता हूँ बूट का ठीक है बूट का क्लास ऐड करने के लिए हम सिंपली फॉर्म कंट्रोल यूज़ करेंगे <coughs> फॉर्म ग्रुप या फॉर्म कंट्रोल ऐसा कुछ आता है ना तो पहले क्लास लिखता हूँ यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल होता है कि क्लास होता है क्या होता है एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे आई थिंक फॉर्म कंट्रोल लिख के देखता हूँ एक सेकेंड मैं इसको देख लेता हूँ अरे शायद नहीं वर्क कर रहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं आई थिंक मुझे कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं गेट बुफ स्टेप डॉट कॉम पर आता हूँ और फॉम स्टैग ओपन करके वहाँ से देख लेता हूँ किसकी क्लासेस के ऊप से यार इंटरनेट क्या गंदा सीन है ठीक है यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल फॉर्म हाइफन कंट्रोल होता है मैंने लिख दिया क्योंकि मैं नेट कनेक्ट करने लगा था तो इसलिए वीडियो रोक दिया था ठीक है तो अब देखो हमारा टाइटल एंड लिंक बस लेकिन बटन सटा हुआ है बहुत इतना चिप चिपकना अच्छा नहीं है तो इसको मैं थोड़ा दूर दूरी बना देता हूँ इससे अभी ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर आता हूँ और <laughs> एम टी दे देता हूँ एम टी दे दूँ क्या एक क्लास एम टी टू पिक्सल दे देता हूँ ठीक है सभी पे कर देता हूँ तो थोड़ा सा ये जो बहुत ज़्यादा चिपका है ना इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है देख के चिपकना तो ये एम टी टू दे, दे दिया अगेन लेट मी चेक ये तो सही हो गया लेकिन बटन का भी बचा है एम टी आईफन टू दैट्स ग्रेट ओके अब एकदम परफेक्ट देखने लगा ठीक है कि आप टाइटल दो लिंक पोस्ट करो सबमिट कर दो डेटा पोस्ट हो जाए ये तो हमारा बेसिक सा रहा ठीक है एकदम बेसिक सा इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए और यहाँ तक आप सभी लोग एकदम ईजी तरीके से आई होप कि डन कर लिए होंगे अगर आप मेरे साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अगर आप कॉपी पेन में नोट डाउन कर रहे हैं तो भी मुझे यकीन है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं किया हो मैं ठीक है अब हम अपने फिर से एस में आते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा मैं रेफरेंस आई देता हूँ रेफरेंस आईडी देने का मतलब है हैशटैग के साथ मैं यहाँ पे कुछ की पास करूँगा की के थ्रू हम इस पर्टिकुलर इनपुट टैग की वैल्यू गैदर करूँगा अब ये चीज़ ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप बिगिनर हैं तो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ठीक है और इस समय थोड़ा सा थोड़ा सा एफर्ट लगा दोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ ठीक है कि मैं करके आ रहा हूँ एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर पहले से फॉर्म में डॉक्यूमेंट करता हूँ सेव करता हूँ यहाँ पे आता हूँ एक सेकेंड यहाँ पे क्लिक इवेंट कॉल करता हूँ और यहाँ पे एक मेथड कॉल कर लेता हूँ ऐड आर्टिकल ठीक है ऐड हाइफन आर्टिकल या एड अंडर स्कोर आर्टिकल जो भी आप देना चाहो फॉर्म का मतलब मेथड का नेम आप कैसे भी डिफाइन करो इट्स योर प्रॉब्लम इट्स योर चॉइस ठीक है यहाँ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करूंगा मैं स्पेलिंग मिस्टेक मतलब स्पेलिंग यार समझ लो यार थोड़ा सा डेवलपर किसी नहीं होता है मतलब ठीक है तो यहाँ पर क्या है मैंने इसको किया अब यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेथड मैंने डिफाइन नहीं किया टी एस पार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे एरर ऑकर जनरेट कर रहा है ठीक है टेम्पलेट यू आर एल का और यहाँ बता रहा है बटन पे आप क्लिक जो मेथड uh, कॉल कर रहे हो दिस इज़ नॉट डिक्लेयर्ड सो आई एम जस्ट गोइंग टी एस फाइल यहाँ मैं पे मैं आया और इस पर मैं ओपन करता हूँ टी एस फाइल ठीक है आप इस स्क्रीन स्प्लिट करके देख सकते हैं स्प्लिट करके आप भी वो कर सकते हैं कि सेम सेम चीज़ तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा सबसे पहले तो एक मेथड बनाऊँगा जो मेथड मैंने कॉल किया जिससे कि हमारा एरर दूर हो क्योंकि एरर दिखना मज़ा नहीं आता एरर आ जाता है तुरंत दिमाग में एक अजीब सा आता है कि यार एरर क्यों हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे ऐड आर्टिकल पे एक मेथड बनाया जो मेथड मैंने कॉल किया है और करली ब्रैकेट के अंदर आता हूँ मैं और अब देखो एरर दूर हो गया सेम मेथड डिफाइन किया मेथड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा लिखाऊँ तो राइट क्लिक अब एक काम करता हूँ सबसे पहले मेथड में मैं थोड़ा सा इस रेफरेंस आईडी की वैल्यू मैं ले देता हूँ थ्रू द एच कंटेंट ठीक है यहाँ पे हम थोड़ा सा डॉम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल सो आई एम जस्ट गोइंग टू कंसोल प्लस लॉग एंड इट और यहाँ पर हम पहले टाइटल है और लिंक है ठीक है तो यहाँ पर लिखता हूँ टाइटल कोलन एच टी एम एल टेम्पलेट एस टी एम एल इनपुट एलिमेंट ठीक है और यहाँ से कॉपी कॉमा करता, करता हूँ लिंक टैग लेता हूँ सेम एस टी एम एल इनपुट एलिमेंट इस पर भी कॉल करता हूँ ठीक है और यहाँ पे मैंने इतना मैंने किया मैंने तीर नहीं मारा देखो अब यहाँ पे मैं इसको कंसोल लॉक कर रहा हूँ ठीक है वो एज ए आर्गूमेंट पास किया था एड आर्टिकल में एज ए आर्गोमेंट पास किया था और उसी को कंसोल करा रहा हूँ टाइटल डॉट वैल्यू लिंक डॉट वैल्यू अब क्या करेगा ये एस टी एम एल जो हमने यूज़ किया है यहाँ पे एक सेकंड दिखा रहा है एच इनपुट एलिमेंट जो है ये क्या करेगा एच के इनपुट एलिमेंट को टाइटल पे जो पुट करेगा उस चीज को यहाँ पे वैल्यू के साथ कंट्रोल करके दे देगा ठीक है वन सेकेंड हियर समथिंग प्रॉब्लम सो हूँ आई थिंक एच में इसको इस आर्गमेंट को पास करना पड़ेगा सो so मुझे यहाँ आना है और पैरथेसिस के अंदर मुझे लिखना है <laughs> टाइटल टाइटल और कॉमा लिंक आई थिंक वो करना चाहिए सेव करता हूँ क्योंकि दो आर्गुमेंट यहाँ पास किया तो सेम है आर्गुमेंट मुझे यहाँ रेफरेंस आई डी देना पड़ेगा किस रेफरेंस से मैं इसे गेदर कर रहा हूँ तो इस वजह से मुझे यहाँ पर लेना अब इसे कंसोलिट करता हूँ और यहाँ पर इंस्पेक्ट पे आता हूँ कंसोल पर आता हूँ पहले देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है कोई एरर नहीं है वाओ लुकिंग कूल cool. यहाँ पे मैं कुछ देता हूँ एंगलर देता हूँ और एंगलर ट्वेल्व रेडिट क्लोन प्रोजेक्ट ठीक है टाइटल मैंने दिया यू आर एल पे मैं दे देता हूँ कोलन डबल फॉरवर्ड स्लैस डब्ल्यू 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 डॉट यूट्यूब डॉट कॉम स्लैश सी स्लैश सी मीन्स चैनल टेस्टी कोडीज ठीक है अब यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ जैसे सबमिट किया देखो दोनों डेटा हमारे पास आ गया ऐप कंपोनेंट डॉट टी का बारह नंबर लाइन हमारा प्रिंट कर रहा है ऐप रेडिट क्लोन प्रोजेक्ट ये रहा एक्चुअली ज़्यादा लंबा टाइटल हो रहा था इसलिए नीचे आ गया और सेकेंड पर देखो यू हमारा मिल गया है सो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी बहुत बड़ी चीज़ मैं नहीं किया हूँ बहुत सिंपल चीज़ किया हूँ और आई होप कि आपको इससे थोड़ा कुछ सीख तो मिला होगा जो इतना मैंने किया और बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं की मैं आपको बता रहा हूँ बार बार अब एक काम करते हैं हाँ अब नोट पे आते हैं और यहाँ सिक्स पॉइंट ऐड करते हैं और यहाँ पे मैं देता हूँ कंसोल द इनपुट डेटा या फॉर्म डेटा आप जो भी देना चाहो ठीक है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इनपुट डेटा ठीक है मजे लेके करो प्रोजेक्ट मजा आ जाएगा सेवन नंबर लाइन पे आता हूँ मैं और अब मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ क्रिएट ए सिंपल प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट ए कंपोनेंट सिंपल प्रोजेक्ट कहाँ देखूंगा मैं सिंपल प्रोजेक्ट तो देख रहा हूँ ठीक है क्रिएट ए कंपोनेंट कौन से कमांड से क्रिएट कंपोनेंट होता है आप लोग कमेंट बताएं एन जी जी स्पेस सी स्पेस कंपोनेंट नेम तो ये एक कमांड होता है जिससे कि हमारा कंपोनेंट जनरेट जर, हो जाता है ठीक है और मैंने इंस्टॉलेशन समय एक वर्ड बताया था वुड यू लाइक टू ऐड राउटिंग जो आपने येस किया था उसकी वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बार बार ऐड कर देगा ऐप मॉड्यूल डॉट यस पे और राउटिंग भी अप, अपडेट करता रहेगा ठीक है जब भी करोगे तो आप तो मैं यहाँ पर एन जी जी स्पेस सी स्पेस आर्टिकल लिखा और उसके बाद एंटर किया अभी हमारा कुछ सेकेंड बाद ये कंपोनेंट बना के दे देगा तो मैं वेट कर लेता हूँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता ये लो बन गया ठीक है अब मैं अपने आर्टिकल वाले कंपोनेंट्स के अंदर आता हूँ आर्टिकल कंपोनेंट डॉट एस टी एम एल पे आता हूँ आर्टिकल कंपोनेंट डॉट टी एस पे आता हूँ तो इस ऐप हाइफन आर्टिकल को कॉपी करता हूँ और अपने ऐप कंपोनेट आट एस्टीमेल में ऐप राउटर, राउटर, आउट, राउटर आउटलेट के ऊपर ठीक है ऐप राउटर आउट सॉरी राउटर आउटलेट के ऊपर मैं इसको एज ए टैग में इसको पेस्ट कर देता हूँ इसके इसको टैग लग देता हूँ ठीक है अब ये बन गया अब इसको क्लोज भी कर देता हूँ देखो इससे हुआ क्या कि ऊपर जो मैंने फॉर्म बनाया फॉर्म तो रहेगा ठीक है फॉर्म ऊपर रहेगा नीचे अब हमारा आर्टिकल वर्क करेगा जैसे ही मैं इस फॉर्म से कुछ डेटा पास करूंगा वैसे ही हमारे आर्टिकल पे डेटा आना चाहिए हालांकि राउटर आउटलेट का कोई काम नहीं फिर भी अभी रखा हूं मैं बाद में इसको जब जरूरत नहीं होगी तो इसको मैं हटा दूंगा ठीक है इसका हटाने या रखने से कोई मतलब नहीं है अभी आपका आप लोग को एकदम साफ साफ बता दे रहा हूँ क्योंकि इसका भी कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर ठीक है मैं सेव किया देखो नीचे दिखने लगा ना आर्टिकल वर्कस तो बस सिंपल है चलो अब थोड़ा सा आर्टिकल पे काम कर लेते हैं जब आर्टिकल वर्क्स लिख उठाए तो ठीक है क्योंकि आर्टिकल पे ही सारा चीज़ खेला होने वाला है जितना भी मतलब इंटरेस्टिंग मेथड बनाऊंगा इंटरेस्टिंग इंट्रे, लॉजिक बनाऊंगा वो सारा का सारा आर्टिकल कंपोनेंट डॉट टी पे ही बनेगा सो एक काम करते हैं सबसे पहले तो आर्टिकल कंपोन डॉट एस टीमेल पर आता हूँ इसको मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है पेज करवा रहा है डॉट कंटेनर लिख के इंटर कर देना आपको कंटेनर क्लास के साथ डिवाइड कर देगा डॉट रो लिख के इंटर करना रो में ऐड कर देगा दिस इज द चिट कोड ऑफ एसटीमेल एंड थ्रू द वी एस कोड वी एस कोड एक ग्रेट एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हमें कोडिंग लिखने में काफ़ी आसानी होती होती है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वी एस कोड पर प्रैक्टिस करिए सो so, अब मतलब ये मेरा सजेशन है मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपका जो मन में उस पर कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे एच टी फर्स्ट में लिखता हूँ एच वन फर्स्ट में लिखता हूँ मैं हूँ हुँ, क्या रहता है सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ प्रोफाइल पे आता हूँ क्लिक करता हूँ अपने पहले देख लेता हूँ ना क्या रहता है तो उसी हिसाब से मैं बताता हूँ न्यू ठीक है न्यू हॉट टॉप ठीक है तो यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू पोस्ट न्यू पोस्टेड डेटा ठीक है एक मैं सिर्फ मतलब उसका ओवरव्यू ले लेके बना रहा हूँ ठीक है तो एकदम मतलब समझ लेना कि मैं उसे कॉपी पेस्ट कर दूँगा नहीं तो कापी राइट क्लेम ठोक देगा तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा ठीक है तो इस वजह से और मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ फॉन्ट ऑसम सी डी एन यहाँ फॉन्ट ऑसम का सी डी एन यूज करूँगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिगनेस के लिए जो अभी तक फॉन्ट ऑसम नहीं यूज़ किया है कभी ठीक है फॉन्ट ऑसम पे जाना है आपको आ, ये अननेसरी वेबसाइट आई थिंक खुल गया है Uh, है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर uh, मुझे जो काम है जिस चीज़ का काम है देखो डेवलपर वही होता है जो फटाफट काम अपने निकाल लें ठीक है टाइम वेस्ट ना करें तो आई थिंक देखते ही मुझे समझ में आ गया कि ये मतलब बेकू बना रहा है चलो मैं स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करके चेक कर लेता हूँ यहाँ सी डी मिलता है नहीं मिल रहा देख लो तो ये किसी काम का नहीं है मेरे मेरे पैसे भर का काम का नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ एंगुलर पे भी आ जा आ के देख लेता हूँ क्या पता है यहाँ पर मिल जाए सी मतलब मैं एक्ट लाइक बिगिनर कर रहा हूँ ठीक है जैसे बिगिनर करते हैं उसकी तरह एक्ट कर रहा हूँ देखो आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ कि सोचूंगा ऐसे करूँगा वैसे करूँगा पर आई थिंक ये डन नहीं होगा ठीक है तो अपन क्या करेंगे एक सेकेंड ओके 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 यहाँ पे सेट एक काम करते हैं नया टैब ओपन करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं और यहाँ पे देखो दिखा रहा है मुझे यहाँ पर कंडीशन वगैरह ये रहा ठीक है तो लोड ऑल स्टाइल ऑल स्टाइल को लोड कर देगा ये तो फोन टॉसम ये लाइन को मैं कॉपी करूँगा राइट right क्लिक करके कॉपी कर सकते हो कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर सकते हो और अगेन आपको इंडेक्स डॉट एस टी आना है लिंक टैग के नीचे जहाँ बूट स्टैप की क्लास ऐड किए हैं बूट स्टैप का सी डी एन एड किए हैं उसी के जस्ट नीचे इसको भी पेस्ट कर देना और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया सेव करने के बाद अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका फॉन्ट ऑसम सी वर्क कर रहा है कैसे पता चलेगा तो चलो एक आइकन ऐड करके देखते हैं यहाँ आइकन्स पे आपको आना है और आइकन्स पे आने के बाद यहाँ सर्च करना है फायर फायर मतलब आग आग मतलब हॉट समझ सकते हो तो यहाँ पे फर्स्ट वाला फायर का है तो इसको मैं कॉप इसको मैं क्लिक करता हूँ इस पर तो अभी इसका इसका पूरा तर, मतलब पूरा कोड बन के आएगा देखो गेटिंग कॉफ़ी वन सेकेंड तो चलो मेरे पास कॉफ़ी नहीं है चाय है चाय ले सकता हूँ मैं ठीक <laughs> है देखो यहाँ पे ऊपर टॉप पे देखो ये देखो पूरा आ गया है ना ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे पूरी डिटेल से नीचे जितना नीचे जाओगे और नीचे आओगे तो यहाँ आइकन्स दिख रहा है तो ये सारी चीज़ें हैं ठीक है अब आपको टॉप पे आना है टॉप पे दिखाते हैं इसका कोड है और टॉप पे आना है और टॉप पे आना है और टॉप पे आना है ये देखो ऊपर टॉप पे देखो लिखो ये रहा इस पर क्लिक करते ही कॉपी हो जाएगा क्लिक किया मैं कॉपी लिखा ना क्लिक किया कॉपी हो गया अब आऊँगा अपने आर्टिकल कंपोनेंट डॉट एस्टिमल पर और इसके आगे मैं इसको पेस्ट करके चेक करूँगा कि यह क्या वर्क करता है सेव करके एक बार देखता हूँ अगर फायर का सिंबल आ गया तो समझ लो फाउंट ऑसम वर्क कर रहा है वाओ लुकिंग कूल यहाँ पे हमारा फाउंट ऑसम वर्क करने लगा ठीक है अब मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं करनी है फ़ाउंट ऑसम awesome एक एट द रेट एन बी एस पी लगा देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा गैप हो जाए थोड़ा सही है बहुत ज़्यादा नीचे। ठीक है यहाँ तक मैंने कर लिया है प्रोजेक्ट अपना डन और अभी तक की कोई एरर नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें टीएस का कोड नहीं लिखा सारी डिजाइनिंग ही कर रहा हूँ और आप लोग भी समझ सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ डिजाइनिंग कर रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं दिखा, लेकिन अभी इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करने का लॉजिक लिखने का टाइम आ रहा है तो अभी सिर्फ जितना मैं मज़ा करना चाहता हूँ इस्टिमल के साथ कर लूँ इसके बाद मज़ा आने वाला कुछ ज़्यादा ही कॉल हाई फोन डी वन सेकेंड आई थिंक गलत लिख रहा हूँ मैं <laughs> ओके ठीक है और यहाँ पर ड्यू टैग लेता हूँ ड्यू 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 कार्ड कार्ड लिया इंटर किया इस कार्ड के अंदर मैं कुछ डेटा फिल करने वाला हूँ ठीक है कार्ड के अंदर डेटा फिल करने का इन है कि जैसे मैं एक ड्यू टैग लेता हूँ टैग के अंदर एक क, क, क्लास ले लेता हूँ नहीं यार ड्यू ठीक है डायरेक्टली ड्यू टैग लेता हूँ इस डी में लिखता हूँ थ्री ये सब मैं क्या लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आने वाला मजा आएगा देख के परेशान मत होना यहाँ हम लिखा पॉइंट अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे अटैच्ड हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता चल चुका होगा कि, कि मैं वहाँ पे एक डेमो छोटा सा डाल दिया था तो पॉइंट थ्री ये सब क्या है ये समझ गए होंगे ठीक है और अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है व्हाट्सएप ग्रुप तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिए टेलीग्राम में भी ग्रुप भी है टेलीग्राम में चैनल भी है तो आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट मिलने के लिए वो काफ़ी बेहतर है और टेलीग्राम में तो बहुत सारे लोग अटैच हो सकते हैं तो आप लोग बिल्कुल टेलीग्राम में एंगुलर विश टेस्टी कोडीज़ या टेस्टी कोडीज एंगुलर कुछ भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा और आप वहाँ से अटैच हो जाइए ठीक है ओके सो एक काम करता हूँ मैं यूट्यूब का अपने लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पे पेस्ट कर देता हूँ ठीक है पेस्ट कर दिया और ब्रेकेट क्लोज़ किया यहाँ पर टाइटल लिख देता हूँ एस यू एल का टेस्टी कोडीज़ लिखा और उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड हम्म 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 इंटर करता हूँ और यहाँ पर एक ड्यू लेता हूँ फिर से यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगुलर ट्यूटोरियल ठीक है ये एक डमी और स्टैटिक डेटा है परेशान मत होइए अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में मैं करके आ रहा हूँ और जब लास्ट वाला पॉइंट लास्ट वाला पॉइंट इतना शानदार है जब मैं डेटा की शॉर्टिंग करूंगा कि मैं अपने क्लिक पर शॉर्टिंग करवाऊंगा अगर मेरा क्लिक ज़्यादा रहा तो ऑटोमेटिकली वो शॉर्ट कर देगा टॉप पर ला देगा ट्रेंडिंग पेज पर ला देगा जैसा कि हमारा यूट्यूब करता है यूट्यूब करता है गूगल करता है वही चीज़ यहाँ पे मैं लॉजिक यूज़ करने वाला हूँ ठीक है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना कम्प्लीटली देख के जाना जिससे कि आपके लिए बेटर रिस्पॉन्स दे ठीक है चलो यहाँ पे एक डिव लेता हूँ यहाँ पे एक उसकी क्लास वोट ले लेता हूँ वोट अप वोट दो चीज़ होगा ठीक है डिव लिखा यहाँ लिख दिया वोट उसके बाद इसी को कॉपी करके पेस्ट कर अच्छा नहाँ डाउनलोड कर देता हूँ डी कैपिटल भाई डाउन वोट ठीक है सेव कर दिया एक बार चेक कर लेता हूँ कि आउटपुट कैसा लग रहा है ये रहा हमारा आउटपुट ओ माय गॉड लुकिंग कूल पर कार्ड बहुत लंबा चौड़ा आ रहा है मजा नहीं दे रहा है ठीक है क्योंकि अभी कार्ड को मैं डिज़ाइन करूँगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो चलो इसको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम चेंज करते हैं थोड़ा सा इसको समझते हैं एक बार रन कराते हैं तो अभी तक इतना हमारा डन हो चुका है अब थोड़ा सा डिजाइनिंग बचा है उसके बाद प्योर कोडिंग बची है ठीक है तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पर हम कार्ड हटाने पे हमारा कार्ड हट गया ठीक है अब हम सारी चीज़ को सी एस एस के थ्रू कस्टमाइज़ करने वाले हैं तो सी एस एस कैसे राइट करते हैं चलिए उसको देख लेते हैं और एक भी चीज़ मिस मत करना वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करें चलिए तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया सबसे पहले पॉइंट जो मैंने ड्यू टैग में पॉइंट क्लास लिया था पॉइंट्स उस पॉइंट्स क्लास को मैंने थोड़ा सा डिजाइन किया ये रहा हमारा पॉइंट्स क्लास ठीक है इसको तो, यहाँ पे मैंने लिख रखा था कार्ड्स उसको हटा के पॉइंट्स कर दिया क्योंकि थोड़ा सीमेंटिक हो जाता थोड़ा समझ में आता है ठीक है तो चलो पॉइंट्स को मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले एस्पेक्ट रेशियो दिया जीरो बटा जीरो पॉइंट सात बैकग्राउंड कलर दे दिया बॉर्डर रेसियस दिया मार्जिन दिया डिस्प्ले दिया फ्लेक्स डायरेक्शन दिया जस्टिफाई कंटेंट दिया फ्लेक्स दिया विथ दिया एंड अलाइन आइटम दिया ठीक है मुझे नहीं लगता कि इसमें से किसी के प्रॉपर्टी किसी के एट्रीब्यूट के बारे में आपको ना पता होगा नहीं पता है तो आप मे कमेंट दीजिए डेफिनेटली आई विल टेल यू एवरी थिंग बिकॉज सी एस एस इज वेरी स्मॉल थिंग सो दैट्स वाई आई आई डी नॉट एक्सप्लेन एवरी थिंग ठीक है सिंपली टाइप करूँ आप समझ लीजिएगा कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में, में बताइए हम आपके लिए बिल्कुल हेल्प करेंगे ठीक है इस टाइम थोड़ा पॉसिबल कम है क्योंकि मैं थोड़ा सा इवेंट्स में बिजी हूँ बट बहुत जल्दी मैं फ्री हो जाऊँगा आफ्टर थर्टीन दिसंबर फ्री हो जाऊँगा इस नवंबर पूरा बिजी हूँ ठीक है तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले इस कॉल एम डी सिक्स को मैं हटाता हूँ क्योंकि दिस इज अननेसेसरी इन माय कोड क्योंकि मुझे सेंटर में लाना है इस सारी चीजों को तो आई डोंट नीड दिस तो एक काम करेंगे अपन इसको हटा देंगे <coughs> तो यहाँ पे डी यह टैग हटाया इस क्लोज क्लोजिंग टैग को भी हटा दिया फाइन नाव uh, अब यहाँ पे हम डिटेल्स नाम का जो uh, मैंने लिया है क्लास उसको थोड़ा डिजाइन करेंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं करना बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है प्रॉपर्टी सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स लिख देते हैं फ्लेक्स यहाँ पे वन रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियली पे ठीक है और दूसरा मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ मार्जिन दे देता हूँ चलो या मार्जिन ज़ीरो ऑटो कर देता हूँ या तो ज़ीरो पॉइंट फाइव करता हूँ ठीक है ज़ीरो पॉइंट फाइव आर एम करता हूँ जीरो डबल ज़ीरो क्यों है ठीक है अब यहाँ पर हम आ, एक और प्रॉपर्टी ऐड करने वाले हैं वो है डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स रखते हैं और यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन दे देते हैं कॉलम वाइज आए हमारा डायरेक्शन फ्लेक्स फ्लेक्स का एंड आइटम अलाइन यहाँ भी करते हैं जस्टिफाई जस्टिफाई कंटेंट करते हैं सेंटर करते हैं ठीक है दैट्स कूल ओके और यहां पर हम एक सेकेंड यहाँ पर मैं स्पेस बिटवीन करता हूँ ठीक है जस्टिफाई कंटेंट नहीं जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन आप भी रख लेना और ये सब क्यों कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होगा आई होप मैं यही एज्यूम करके चल रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब एंगलर पढ़ रहे हैं तो आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि आपको स्टेमल सेसेस आती होगी ठीक है तो यहाँ फोन साइज जीरो पॉइंट नाइन आ रई एम रखता हूँ और सेव uh, कर लेता हूँ एक बार और इसको देख लेता हूँ ये देखो अभी हमारा एकदम शानदार लग रहा है ठीक है कितना कूल लग रहा है बट अगर हम इस चीज़ को सेंटर में करना चाहें तो वो भी अभी हम लास्ट में सेटिंग करेंगे कि सेंटर में आ जाए जिससे कि अच्छा दिखे ठीक है तो यहाँ पर एक काम करते हैं वोट का थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर देते हैं वोट पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स रख देता हूँ पहली चीज़ दूसरी चीज़ यहाँ पर वोट पे और क्या होना चाहिए लेफ्ट राइट दोनों साइड दिखे तो दोनों साइड दिखने के लिए काम करते हैं एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं कि अभी कैसा दिख रहा है थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ठीक <coughs> है तो सबसे पहले तो वोट क्लास के अंदर हमारा वोट अप वोट डाउन दोनों चीजें ठीक है तो जस्टिफाई कंटेंट करते हैं इसको और यहाँ पर मैं इसको भी स्पेस बिटवीन कर दूँ कॉलम वाइज करूँ वन सेकेंड अगर स्पेस बिटवीन करूँगा तो ठीक है एक बार चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ शायद आई थिंक इट्स लुक लाइक कूल मे बी सो सिंपली जस्ट सेव इट एंड रन अगेन ओके कूल ये सही हो गया पर यहाँ पे देख सकते हो आप हमारा पूरा बॉडी सेक्शन को ये कंज्यूम कर रहा है क्योंकि सिंपल सी बात है मैंने कंटेनर लिया है कंटेनर के अंदर कोई कॉलम नहीं लिया तो इस वजह से ये पूरे पूरे विंडो पे हमारे कैप्चर कर रहा है ठीक है तो इसको थोड़ा सा हम कस्टमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंगली जिससे कि थोड़ा इसको पाँच परसेंट कर देते हैं पाँच परसेंट व्यक्त करने के बाद भी ये नहीं सही हुआ तो एक सेकेंड हमें काम करते हैं मुझे लगता है कंटेनर को ही सेट कर दें तो आई थिंक इट विल लुक लाइक कूल तो कंटेनर्स कर दिया और इस क्लास को मैनुअली मैं डिज़ाइन कर दूंगा चलो कंटेनर्स को एक काम करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ इस क्लास को और इसको सी एस एस में इसकी कुछ प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू आर्टिकल कंपोनेंट डॉट सी एस एस एंड जस्ट गो डाउन एंड डॉट कंटेनर्स करली ब्रिकेट ओपन एंड क्लोज एंड फर्स्टली आई विल गिव मार्जिन और मार्जिन को मैं यहाँ पे जीरो ऑटो करता हूँ अभी यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा थोड़ा डिज़ाइनिंग में क्योंकि डिजाइनिंग सिंपल सी बात है डिज़ाइनिंग बहुत ईजी चीज़ नहीं है लोगों को लगता है जी है डिजाइनिंग इज़ द टफेस्ट पार्ट सो so, विथ इसको फिफ्टीन आर कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स कर रखता हूँ इसको भी और सेव कर देता हूँ एक बार चेक करता हूँ हाउज लुक लाइक दैट सो कूल ये तो बहुत प्यारा लग रहा है आ गया एकदम मतलब मैं जो चाहता था वो हो गया मतलब एकदम सेंटर आ गया एकदम फिक्स हो गया दैट्स कूल बट आई थिंक आई नीड टू गिव द एटीन आर पी एम विथ सो लेट मी चेक वन मोर टाइम आई थिंक 18 एटीन एंड सेव इट सो लाइक कूल अब देखो वोट एंड पोर्ट में थोड़ा सा गैप आ गया है ठीक है <coughs> फोर्टीन करूंगा तो आई थिंक ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा लेट मी चेक वन मोर टाइम क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ मुझे देखना पड़ेगा और थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ा सा तो आप लोग को डिजाइनिंग अच्छा करके दू ना मतलब एकदम ही गंदा सा नहीं अच्छा लगता है so, सो थोड़ा सा डिजाइनिंग कर देता हूँ और हाँ मैं बात कर रहा था कि डिज़ाइनिंग डिजाइनिंग काफ़ी ईजी नहीं है डिजाइनिंग को लोग समझते हैं ईजी है बट जब उसके सी के साथ खेलना पड़ता है ना तो मज़ा आ जाता है ठीक है और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि दूसरे काम सबको आसान लगता है अगर आप डेवलपर हो तो आपको लगेगा डिज़ाइनिंग इज एजी पार्ट बट जब आप डिज़ाइनिंग में जाएंगे ना तो बहुत टफ है और मैं कहता हूँ ना कि अच्छा कोडर वही है जो कम कोड में ज़्यादा चीज कर जाए ठीक है अब देखो ये सही लग रहा है और हमारा मेन एड पोस्ट भी सेंटर पे आ चुका है ठीक है तो अब हमें करना क्या है सिंपल सा है कि ये इसको पहले छोटा कर दूँ एड पोस्ट है जो हमारा ये बहुत बड़ा दिख रहा है तो आई नीड टू स्मॉल उनके एस थ्री टैग आई थिंक मैं एस थ्री टैग दे के देखता हूँ शायद एक ही लाइन पे आ जाए क्योंकि ये मतलब मल्टीपल लाइन पे आ रहा है जो कि अच्छा नहीं है ठीक है तो एक काम करता हूँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आता हूँ इसको जो ऑटो है एक बार वन <laughs> सेकेंड पहले इसको मैं एस थ्री करके देखता हूँ ठीक है तो मैं यहाँ पे इसको एस थ्री कर दिया और यहाँ पे भी एस्तरी कर दिया सेव कर दिया सेव करने के बाद अब यहाँ पे हमारा देखो इन लाइन में आ रहा है ठीक है अब ये बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें यहाँ पे एक अचार कर देता हूँ जिससे कि एक हॉरिजेंटल रो क्रिएट हो जाए छोटा सा देखो कितना प्यारा सा कितना छोटा सा है जितने पे हमारा न्यू पोस्ट डेटा है उतने पे ही एक अचार है जिससे कि अगर मल्टीपल टाइम में पोस्ट होगा ना तो मल्टीपल टाइम हमारा डेटा ये गैदर करेगा ठीक है हालाँकि आप यहाँ पर आप ए वगैरह लगा के आप वर्क कर सकते हैं बट यहाँ पर आई डू नॉट इम्प्लीमेंट एनी ए सो प्लीज डोंट माइंड इट मैं इसको क्लोज ऑल करूंगा सबसे पहले तो कहाँ गया क्लोज ऑल क्लोज ऑल ये रहा ठीक है क्लोज ऑल कर दिया इसको <coughs> अब देखो अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल पे आता हूँ एक न्यू मतलब एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ आर्टिकल के अंदर आर्टिकल डॉट मॉडल डॉट ई एस जहाँ पे डेटा एंड डेटा टाइप डिफाइन करूँगा अगर टाइटल है तो टाइटल किस टाइप का है लिंक है तो लिंक किस टाइप का है वोट है तो वोट किस टाइप का है तो इन सारी चीज़ों को मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास को एक्सपोर्ट करना पड़ता है जब भी आप मॉडल बनाते हो तो आई एम जस्ट राइटिंग एयर एक्सपोर्ट क्लास एंड यहाँ आर्टिकल का ए कैपिटल करूँगा जिससे कि हमारा एटलीस्ट समझ में आए कि हाँ दिस इज द माई क्लास ठीक है ओके आर्टिकल स्पेलिंग में मिस्टेक होगी प्लीज़ माइंड मत करना मैं पहले से बता रहा हूँ मुझे पता है कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है ठीक है तो मतलब डोंट बी स्मार्ट आई आई नो वेरी वेल कि यहाँ पे इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ टाइटल पे स्ट्रिंग ऐसे आएगा तो टाइटल के पहले आपको एक्सप्लामेट्री एक्ष्वा, का सिंबल लगा देना है जो कि हमारे एंगुलर ट्वेल्व में ये चीज़ आ, आया था मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को तो यहाँ पे एक्सप्लोमेट्री सिंबल लगाने के बाद ये डिफाइन हो जाएगा इससे पहले ये समझ रहा था कि दिस इज अनडिफाइंड ठीक है अब यहाँ पर आपको लिंक भी स्टिंग कर देना है और यहाँ पे वोट देना पड़ेगा तो वोट को भी आप क्या करेंगे एज अ नंबर रखेंगे क्योंकि वोट हमेशा नंबर में होता है वन टू थ्री फोर में होता है एक दो तीन में नहीं होता मतलब एक ई के एक टी डब्ल्यू ओ टू ये नहीं होता नंबर होता है वन टू थ्री फोर न्यूमेरिकल होता है ठीक है सो आई एम जस्ट राइडिंग मेक ए कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं डायरेक्टली पैरामीटर पास करूँगा पैरामीटर में मतलब लाइक like, हम अपने पहले एज ए आर्गूमेंट दूँगा टाइटल को लिंग को अपवोट को तो यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर में एज ए मुझे आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को ठीक है एज ए आर्ग्यूमेंट देने का सीन यही है कि एटलीस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं इसको हिट करूँ ठीक है हमारा जब भी आर्टिकल मॉडल डॉट टी एस लोड हो तो तुरंत सबसे सब पहले क्या करें इस टाइटल की वैल्यू इस टाइटल में पुट कर दें क्योंकि हम देखो कोई फॉर्म नहीं यूज़ कर रहे हैं ठीक है थीके? पहली चीज़ क्योंकि बिना फॉर्म के थ्रू डेटा गेट करना मुश्किल होता है तो उस सारी चीज़ों को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना के डायरेक्ट एज ए आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ जो हमारा टाइटल हो वो टा, स्ट्रिंग है जो हमारा लिंक हो वो भी हमारा स्ट्रिंग है और जो हमारा वोट है वो भी हमारा नंबर है ठीक है पहली चीज़ दूसरी चीज़ अब यहाँ पे एक चीज़ और सबसे इंटरेस्टिंग है अब यहाँ पे जो ये आर्गूमेंट मैं पास किया हूँ इस आर्गूमेंट को हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको वैलिडेट करें वैलिडेट करने का मतलब ये नहीं कि वैलिडेशन लग जाएगा नहीं वैलिडेट का मतलब है इस डेटा और डेटा टाइप को वैलिडेट करना है मुझे तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा दिस डॉट टाइटल इज़ इक्वल टाइटल दिस डॉट लिंक इज़ इक्वल लिंक दिस डॉट वोट इज इक्वल वोट ठीक है तो इस तरीके से हम इस इस पूरे डेटा को गैदर करके वैलिडेट करेंगे कि हाँ जो हमारे इनपुट फील्ड में डेटा आएगा वो यहाँ पर आएगा वोट पर आपको टर्नरी ऑपरेटर लगाना मस्ट है क्योंकि यहाँ पे आपको क्या पता वोट दे या ना दे आपको नंबर मिले या ना मिले तो एज ए यहाँ पर कंडीशन ये वर्क करेगा कि अगर मान लो मैं वोट ही नहीं दे रहा हूँ मैं आर्टिकल पोस्ट कर दिया वोट कोई नहीं कर रहा तो तो यहाँ पे इसलिए कंडीशन दे रहा हूँ कि कोई बाद में एरर ना आए तो यहाँ पे हम एज ए टर्नरी ऑपरेटर यूज कर ले रहे हैं ठीक है अब देखो यहाँ पे दे रहे हैं दिस डॉट टाइटल इज <coughs> इक्वल <coughs> टाइटल ठीक है अब देखो अभी तक डार्क लाइट था अब डार्क हो गया कंस्ट्रक्टर के अंदर अब लिंक भी डार्क हो जाएगा अभी लिंक इज इक्वल लिंक एंड द लास्ट वन ये क्या हो रहा है भाई दिस डॉट वोट्स इज इक्वल नंबर वोट ठीक है वोट्स कूल वन सेकेंड व्हाइट इट्स रिटर्न एरर वाई इट्स रिटर्न एरर किंग ओके okay. इनिशियली मैं इसको जीरो डिफाइन कर दे रहा हूँ ठीक है नंबर को एज ए पाइप के थ्रू और ज़ीरो मतलब या तो कुछ भी नहीं है या तो ज़ीरो है ठीक है तो चलो अब इसका इसे वैलिडेट कर दिया हूँ अब इस, इसके बाद मैं एक आ, वोट <coughs> अप का मेथड क्रिएट कर लेता हूँ यहीं पे क्योंकि जब भी कोई वोट करेगा वोट पे क्लिक करेगा तो वोट अप होगा वोट डाउन पे करेगा तो वोट डाउन होगा तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं लिखता हूँ दिस डॉट देखो यहाँ पे एक लॉजिक बहुत शानदार है दिस डॉट वोट अप वोट्स इज इक्वल अभी मैं शॉर्ट वे बताता हूँ इज इक्वल दिस डॉट वोट दिस इज़ द रॉन्ग वे दिस डॉट वोट्स प्लस वन इंक्रीज करूँगा जितने क्लिक पे होगा इंक्रीज दिस इज द रॉन्ग वे दिस इज़ अ हार्ड कोडेड ठीक है आपको स्मार्ट वे में करना है तो काम कर सकते हो आप इसको रिमूव कर सकते हो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये भी कोड सही है वही वर्क करेगा लेकिन इक्वल से पहले मैं प्लस लगा के इज इक्वल वन कर दूंगा तो सेम वही वर्क करेगा ठीक है अब देखो प्लस इज इक्वल वन हमें कोड क्या हुआ आसान हो गया ना तो यही मैं समझा रहा हूँ कि आपको स्मार्ट कोड लिखना है आपको हार्ड कोड नहीं लिखना है कुछ लोग होते हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आके ज्ञान देने लगते हैं तो भाई मैं मैं कुछ नहीं करता मैं सभी से सीख लेता हूँ ठीक है जो सिखाता है मैं सीख लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मुझे ज्ञान देके चले गए आई आई एडमिटेड ठीक है मुझे अच्छा लगा तो यहाँ पे माइनस के लिए भी मैं सेम ही कर रहा हूँ माइनस कर दे रहा हूँ अब देखो यहाँ पे इतना सिंपल चीज़ लिखा ना अब डायरेक्टली इस वर्ड को मैं कॉल कर लूँगा ये एज ए हमारा सर्विसज़ कर रहा है यहाँ पर ये जो मॉडल है अभी देखो मैं इस पूरे मेथड को कॉल करूँगा लास्ट में और कुछ नहीं करूँगा वहाँ कोड नहीं लिखूँगा सिर्फ इस मेथड को कॉल करूँगा चलो अपने आर्टिकल पर आगे अब आर्टिकल कंपोनेंट पर आने के बाद सबसे पहले तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा अपने मॉडल को जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और मॉडल को इम्पोर्ट किए बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने आर्टिकल को इम्पोर्ट कर लिया ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो जाएगा ठीक है आप लोग भी कर सकते हैं अगर आपके स्मार्ट एक्सटेंसन ऐड किए हैं अपने विजल स्टूडियो कोड में तो ठीक है अब यहां पे एक वेरिएबल लेता हूं जिसके अंदर इस आर्टिकल के डेटा को पोस्ट करता हूं so, मैंने से लिया, आर्टिकल्स आर्टिकल्स एरियल्स क्या लिख रहा हूं मैं भाई आर्टिकल्स गलत हो जा रहा है ठीक है कोई नहीं आर्टिकल कोलन आर्टिकल एरे ठीक है एज एरे के अंदर इस सारे डेटा को मैं ले रहा हूँ तो इसको एज ए एरे यहाँ पे दे दिया ठीक है अभी देखो यहाँ पे आ रहा है तो इसको डिफाइन असाइन आर्टिकल अरे वही एक्सप्लामेटरी सिंबल का एरर है ठीक है ओके कूल अब कंस्ट्रक्टर के अंदर आता हूँ मैं यहाँ पे सिंपली देता हूँ दिस डाटा आर्टिकल्स इज इक्वल और यहाँ पर मैं एज एरे के अंदर तीन डेटा मैं पहले से से, कर देता हूं। New article as एक नया बना ले रहा हूं। New article नाम पे हमारा डेटा होगा न्यू आर्टिकल के अंदर सबसे पहले टाइटल लूंगा टाइटल में मैं रखता हूँ एंगुलर ट्यूटोरियल ठीक है एंगुलर ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल कॉमा और यहाँ पे मैं लिंक पास करूँगा अपने मतलब यूट्यूब चैनल का सो so, आपको जो भी पास करना हो पास कर सकते हो मैं अपने यूट्यूब चैनल का पास कर रहा हूँ आप जहाँ से भी मतलब समझ लो यार आपको जो भी पोस्ट करना हो डाल सकते हो अपना ठीक है तो यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया एंड वोट पे भी मैं कुछ दे दे रहा हूँ पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह जो भी देना हो आपको वो इनिशियली वोट दे सकते हो तो इस डेटा को मैं टू टाइम या थ्री टाइम्स पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये हमारा एक प्री डिफाइंड डेटा है ठीक है दिस इज़ द स्टैटिक डेटा आई डू नॉट पोस्ट डायनेमिक डेटा इट्स टाइम तो इसको मैं सिंपली कॉपी किया पेस्ट कर दिया और सब पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देता हूँ वोट uh, को चेंज कर देता हूँ टाइटल को चेंज तो हूँ यहाँ पर रिएक्ट ट्यूटोरियल कर दिया और यहाँ पे एचटीएमएल ट्यूटोरियल कर देता हूँ एचटीएमएल ठीक है तीन ट्यूटोरियल है और uh, यहाँ पर वोटिंग पे आता हूँ थोड़ा सा वोटिंग चेंज करता हूँ यू आर एल तो नहीं चेंज करूँगा क्योंकि यू आर एल भाई मेरे यूट्यूब चैनल का है मैं और किसी का यूज़ नहीं करूँगा तो अभी सेव कर देता हूँ जिससे कि कोई एरर हो तो कंसोल पे मुझे दिखा दे अभी कोई एरर नहीं आ रहा टर्मिनल पे तो कोई एरर नहीं आ रहा एकदम कूल वर्क कर रहा है ठीक है अब इस आर्टिकल के बिहाब पे मैं वर्क करने चल रहा हूँ ठीक है देखना इस आर्टिकल पे ये तीनों हमारे डेटा हैं इस आर्टिकल के बिहार से मैं डेटा प्रिंट करूँगा इसी आर्टिकल के थ्रू हम क्या करने वाले हैं मल्टीपल टाइम्स डेटा को पास करेंगे डायनेमिकली डेटा को पोस्ट करेंगे और शॉर्टिंग भी करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है बस अब देखते रहिए अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो गया है जो भी टी एस या जी लवर हैं ठीक है जे से जो बहुत प्यार करते हैं चलो थोड़ा सा एक डेमो दिखाते हैं हम इस थ्री की जगह पे इंटरपोलेशन करता हूँ और यहाँ डालता हूँ आर्टिकल्स यार स्पेलिंग क्या लिखा था वहाँ पे आर टी वन सेकेंड यार देख लेता हूँ नहीं तेरा रह जाए क्या मतलब है फालतू में तो यहाँ इसको डायरेक्ट डबल क्लिक करके कॉपी करता हूँ कॉपी करने के बाद डायरेक्टली वहीं पे पेस्ट कर देता हूँ ठीक है यहाँ पे मैंने पेस्ट किया एक चीज जान लेना ये हमारा एरे में आ रहा है आपको दिखाया था वहाँ से डिफाइन किए थे तो जीरो इंडेक्स की वैल्यू मैं गेट करूँगा वहाँ पर दो डेटा है जीरो वन टू डेटा है तो ज़ीरो वाला डेटा यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए आर्टिकल का वर्ड्स प्रिंट करना चाहिए ठीक है जीरो वाले पे हमारा फा फाइव है ठीक है और चलो सबसे पहले यहाँ पे रुको इससे पहले हमारा जो लिंक है लिंक यहाँ पे ये वाला दिया हो ना आप ध्यान देना इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ इस लिंक को यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ पे एक काम करते हैं इसको मैं यहाँ पे एज जाए कमेंट पास कर लेता हूँ मान लो बाद में जरूरत पड़े तो मैं इसको लिख सकता हूँ ठीक है अब एक काम करते हैं इसको मैं यहाँ से इस पूरे डेटा को यहाँ से इसे सिंपली कॉपी कर लेते हैं कॉपी करने के बाद और यहाँ पे आते हैं इसको सिलेक्ट करेंगे <coughs> सिलेक्ट किए ठीक है और सिलेक्ट करने के बाद एक काम करते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं यहाँ वोट्स जो है यहाँ लिंक कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिंक दिखना चाहिए और जहाँ टेस्टी इज़ लिखा है यहाँ पर हम टाइटल मार देंगे ठीक है सेम उसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे पेस्ट किया करली ब्रैकेट के अंदर ये क्या कर दिया मैंने एरर दिखाना चाहिए टाइटल ठीक है आ गया हो गया हो गया हो हो शुरू अरे यार इसको मुझे स... ये देखो चार करली ब्रेकेट है भाई तो इसे सिंपल सा दो करली ब्रेकेट में करना है तो एरर नहीं आएगा और भी लिंक वाले में भी देखो हमारा साफ साफ दिख रहा है यार लिंक वाले में भी एरर है इसी वजह से नहीं आ रहा फिर भी मैं इसको इस वजह से कर रहा हूँ मैं पता है कि आप लोग कभी कभी गलती करते हो ठीक है डेली नहीं करते हो मुझे पता है आप लोग अच्छे हो लेकिन कभी कभी गलती कर देते हो तो उसको इस तरीके से डिबक करते हैं पहले तो खुद की कोडिंग में चेक करते हैं अब देखो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है ना अब देखो इसको ऊपर थोड़ा सा थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा ऊपर ठीक है <laughs> ये देखो ये डबल एरर है और यहाँ पर एरर है सेव कर दो अब एरर नहीं आएगा ठीक है एरर इज गॉन सो सोनाओ क्लिक देखो यहाँ पे पाँच पॉइंट आ रहा है ना मैंने स्टैटिक में जो पाँच पॉइंट दिया एंगुलर ट्यूटोरियल आ रहा है और माउस ले जाने पे राइट साइड लेफ्ट साइड देखो कितना प्यारा सा हमारा यूआरएल दिख रहा है तो हमारा डायनेमिक डेटा आने लगा है ठीक है मतलब डायनेमिक कह रहा हूँ हमारा डेटा आने लगा है जो स्टैटिक डेटा मैंने एज ए एरे में पास किया अगर यहाँ पर चलो मान लो मैं वन देता हूँ तो देखो फिफ्टी पॉइंट आना चाहिए देखो 56 पॉइंट आने लगा ठीक है दूसरा डिटेल में हमने 56 दिया ना तो अगर यहाँ पे वन का लिंक कर देता हूँ और यहाँ पे वन कर देता हूँ तो हमारा रिएक्ट ट्यूटोरियल का आना चाहिए ठीक है सेव करके चेक करता हूँ और आप देखो यहाँ रिएक्ट ट्यूटोरियल आना है उसका लिंक भी आ रहा है लेफ्ट साइड बॉटम पर दिख रहा है और रिएक्ट ट्यूटोरियल आ रहा है तो इस तरीके से मतलब आप लोग समझ सकते हैं ना कि कितनी आसान तरीके से हम यहाँ पे जो हमने डेटा आयरन बनाया उसको डाल दिया अब देखो इसको अगर मल्टीपल टाइम पेस्ट करना हो तो हमें मल्टीपल टाइम आर्टिकल ऐप आर्टिकल ऐप आर्टिकल ऐप करना पड़ेगा पर डेटा तो हमारा सेम ही आएगा तो दिस इज़ द रॉन्ग वे ऐसे नहीं करना हमको मल्टीपल टाइम डेटा मुझे लेना है तो यहाँ पर काम करेंगे यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज करेंगे जो कि एन जी फोर होता है जो कि हम लूप चलाते हैं ठीक है मल्टीपल डेटा को पेस्ट पेस्ट करने के लिए या फाइंड करने के लिए हम एक लूप चलाते हैं तो यहाँ पे मैंने लिया एन जी फोर और एन जी फोर में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक वेरिएबल लेने वाला हूँ लेट आर्टिकल नाम से ठीक है आर्टिकल्स था यहाँ पे आर्टिकल नाम से चलूँगा और उस आर्टिकल पे आर्टिकल्स का डेटा पूरा ले लूँगा ठीक है तो NG4 फॉर बेसिकली यूज़ किया था लूपिंग के लिए आप लोग को नहीं पता तो जान लीजिए लेट एक कीवर्ड है लेट मतलब कीवर्ड है वेरिएबल इनिशिएट करने के लिए वेरिएबल इनिशिएट हो रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल है आ, आर्टिकल्स नाम से और देखो स्पेलिंग में दोनों डिफरेंट है ध्यान देना ये चीज़ ठीक है और यहाँ पर मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ लेकिन सेव करने के बाद एरर आ रहा है एक सेकेंड ये एरर कैसे आ रहा है कहाँ से और अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं जो डायरेक्टली सिलेक्टर कॉल किया हूँ सेलेक्टर पे डायरेक्टली मैं कंडीशन लगा दे रहा हूँ सो एरर ऐसा नहीं है भाई आप कंडीशन लगा सकते हो कहीं भी लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉपरली वर्क करेगा ठीक है लेकिन वन सेकेंड मुझे चेक करना है कि कैसे एक सेकेंड ओके एक काम करते हैं ऐप कंपोनेंट में मैं वर्क कर रहा हूँ तो ऐप कंपोनेंट में मुझे पहले मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा तो मॉडल को मैं यहाँ ही इंपोर्ट कर लेता हूँ आर्टिकल ये थर्ड वाला है तो थर्ड वाला क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पे डेटा मैं वो सारा डालूंगा जो मैंने आर्टिकल कम्पोनेट डॉट टी पे डाला है तो सेम मैंने यहाँ पर मुझे वही करना है तो काम करता हूँ आर्टिकल डॉट टी एस ढूँढूँगा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ये रहा ठीक है इसका मैं पूरा डेटा यहाँ से इसको मैंने पहले कॉपी करना है हालांकि इसे रिमूव करना है मूव भी कर सकता हूँ लेकिन पहले कॉपी करके चेक कर लेता हूँ मान लो कोई एरर आ गया तो मैं फिर से उतना लिखना पड़ेगा वहाँ से कॉपी किया अब फिर से मैं जाऊँगा वहाँ पर उसका डेटा लूँगा ये पूरा डेटा यहाँ से कॉपी कर लूँगा लेकिन यार हो सकता है कंस्ट्रक्टर वहाँ भी ना हो तो पूरा नहीं है कंस्ट्रक्टर से पूरा कॉपी करना पड़ेगा वन सेकेंड एक काम करते हैं यहाँ पे आते हैं और ये पूरा कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट ही पूरा कॉपी कर लेता हूँ ठीक है कॉपी करके मैं कंपोनेंट डॉट टी एस पे आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे आया मैंने पेस्ट कर दिया ठीक है पेस्ट करने के बाद सेव कर दिया सेव करने के बाद अब देख लेता हूँ कि एरर तो नहीं है कोई नहीं है सही है अब एक काम करता हूँ अभी तक जो एरर आ रहा वो भी जा चुका है ठीक है तो आप सब लोग जो सोच रहे होंगे कि सेलेक्टर में डायरेक्टली मैंने जो कंडीशन लगा दिया तो देखो सिलेक्टर में अब कंडीशन वर्क कर रहा है ठीक है एरर नहीं आ रहा बट अभी एक काम कर लेता हूँ मैं मुझे ना यहाँ पर करना क्या है कि ये जो ओ, मतलब स्टैटिक ये वाले डेटा हैं इस स्टैटिक डेटा को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मैं अगर फिर से सेम रख दूँ तो एक सेम बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ अरे मैं जल्दी जल्दी कंट्रोल जेड कर दिया कुछ चीज़ें भी हट गई हैं ठीक है सेव करता हूँ एक बार सेव करके बाद चेक कर लेता हूँ बाई डिफॉल्ट मैंने फिर से इसको स्टैटिक कर दिया ठीक है तो स्टैटिक करने के बाद देखो वही तीन पॉइंट तीन पॉइंट अच्छा मेरे देखो डिजाइनिंग भी यहाँ टूट रही है तो एक काम करता हूँ जो ऐप कम वहाँ आर्टिकल सी एस एस है उसको कंपोनेंट सी एस एस पे पेस्ट कर दूँगा कहाँ गया सी एस एस वाला ये रहा इसको पूरा कंट्रोल आल कर देता हूँ कॉपी करता हूँ और ऐप कंपोनेंट डॉट सी एस एस पे आता हूँ और यहाँ यहाँ पे वो सारा डेटा डाल के सेव कर देता हूँ तो सेम वर्क करने लगेगा ठीक है एरर नहीं होगा अब एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं आया एक बार चेक किया कहाँ गया ठीक है स्टैटिक है ना यहाँ पे कंटेनर्स कर देता हूँ सेव कर देता दे ठीक है अब एक बार चेक कर लेता हूँ शायद सही हो गया हो ठीक है सही हो गया ठीक है लेकिन अब देखो आ, अभी भी न्यू पोस्टेड डेटा पे टैग नहीं है बड़ा बड़ा सही दिख रहा है तो चलो इसको भी रिमूव कर दूँगा अभी <laughs> हाँ ठीक है पहले इसको कर देता हूँ क्योंकि बहुत लेंदी सा दिख रहा है तो पहले इस थ्री का कर देते हैं जिससे कि सारा डेटा सिंपल से दिखे ठीक है सेव करता हूँ परफेक्ट सो परफेक्ट अब देखो थ्री टाइम्स हमारा डेटा आ रहा है ठीक है लेकिन सेम ही डेटा आ रहा है बात ये है सेम डेटा आ रहा है मैंने कंडीशन लगाया कंडीशन लगाने के बाद सेम डेटा मेरा प्रिंट हो रहा है बट यहाँ पे मल्टीपल डेटा मुझे अलग अलग डेटा चाहिए जो डेटा हमारा है तो उसको लाने के लिए करना क्या पड़ेगा एक बार इसको पहले मैं देखने तो कि यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं देश डॉट आर्टिकल्स करता हूँ डॉट पुश करता हूँ कि अगर मान लो हमें फॉर्म से डेटा पुश करें तो देश न्यू आर्टिकल आर्टिकल का एक कैपिटल है भाई ठीक है मैं एरे में डेटा पुश कर रहा हूँ ठीक है अगर आप लोग जे में एरे पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है वहाँ पे मैं टाइटल की वैल्यू पुश करूँगा लिंक की वैल्यू पुश करूँगा दो दो वैल्यू मैं पुश करूँगा ठीक है तो मैं यहाँ पे सिंपली दिया दिश डॉट आर्टिकल्स डॉट पुश ब्रेकेट में न्यू एरे ब्रेकेट में दिश डॉट सॉरी टाइटल डॉट दा, वैल्यू कॉमा लिंक डॉट वैल्यू और इसको क्या करूँगा मैं इसको कॉल बैक के थ्रू भी मैं इसको कर सकता हूँ चलो अभी तो मैं सेव करता हूँ एक बार यहाँ पर डेटा कोई देखो तीन डेटा है हमारे पास ठीक है चलो कोई डेटा डाल के देखता हूँ तो चलो यहाँ पे मैं डालता हूँ कोई एक सिंपल सा डेटा तो सबसे पहले मैं देता हूँ लव एंगुलर मुझे तो बहुत पसंद है प्यार हो गया मुझे एंगुलर से एंगुलर करता हूँ अब देखो चार डेटा हुआ लेकिन हमारा सेम पुराना वाला ही डेटा है डेटा इसका मतलब पुश हो रहा है पुश कर रहा है लेकिन वही पुराना डेटा हमारा बार बार रेंडर हो रहा है तो इसको मैं पहले फ़िक्स कर देता हूँ ठीक है कि जो डेटा एक्चुअल डेटा हो वो हमारा डेटा है ठीक है यहाँ डेटा तो हमारा प्रॉपरली पुश हो रहा है <coughs> तो एक काम करेंगे हम हम इसको फिक्स करने के लिए एक चीज़ कर सकते हैं कि जब हमारा डेटा पुश हो रहा है पर सेम डेटा आ रहा है तो इस केस में केस में हम एक काम करते हैं तेज डॉट नहीं टाइटल डॉट वैल्यू सबसे पहले तो फॉर्म हमारा क्लियर नहीं हो रहा तो फॉर्म भी क्लियर करते हैं उसको तो अभी लास्ट में देख लेते हैं क्योंकि मैंने बोला था लास्ट में इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा तो दिस टाइटल डॉट वैल्यू को नल रख देता हूं बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियली ब्लैंक रखता हूं और इसी तरह लिंक डॉट वैल्यू को भी इनिशियली ब्लैंक रख देता हूँ जिससे कि हमारा फॉर्म ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाए आप लोग याद करो मैं जो प्रोजेक्ट बताता था उसमें दिश डॉट फॉर्म डॉट रिसेट कर देता था ऑटोमेटिकली रिसेट होता है यहाँ पर आप इस तरह करके रिसेट कर सकते हो फॉर्म को ठीक है बहुत सारी चीज सीखने को आपको मिलेगी यकीन मानो ये YouTube चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है एंगुलर के लिए स्पेशली ठीक है ए ए दिया एस एस दिया अब देखो अब हमारा चौथा डेटा नहीं आ रहा लेकिन हमारा फॉर्म क्लियर हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अभी हमारा सब कुछ आएगा सारे चीज़ होगा एक एक चीज़ होगा कैसे नहीं होगा सब करके दिखाऊँगा ठीक है बस आप लोग देखते बस ठीक है अब हम सबसे सब पहले तो हमें एक्चुअल डेटा लाने के लिए करना क्या पड़ेगा ये तो यहाँ पे कॉल बैक यूज कर लूँ पे तो शायद आर्टिकल्स न्यू आर्टिकल्स एंगलर, ये तीन डेटा है एंगुलर ट्यूटोरियल रिएक्ट ट्यूटोरियल और एच टी एम एल अगर मैं इस डेटा को डायरेक्टली अगर मुझे एज एरे पास कर दूं एच टी एम एल में तो आई थिंक कुछ वर्क कर सकता है यस yes, एक सेकेंड पहले तो एक काम करता हूँ आर्टिकल कंपोनेंट आटी बगल करता हूँ इसके साइड में और अपने एक काम कर लेता हूँ पहले स्टीमल पे आता हूँ मुझे एस्टीम का डाउट लग रहा है एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा आउट करता हूँ और थोड़ा ये लेंदी प्रोसेस लग रहा है कैसे एक होगा कैसे होगा एप कंपोनेंट डॉट टेस्ट डी पे आता हूँ एक काम करता हूँ और यहाँ पर जो मैंने ये लिया हूँ इसको एक काम करता हूँ अगर हमें अलग अलग डेटा प्रिंट करना है तो मुझे उस एरे वाले वेरिएबल को यहाँ पे इंटरपोलेट कराना पड़ेगा टू वे डेटा बाइंड करना पड़ेगा आई थिंक सो Second. इसको पहले आर्टिकल से पहले मैं हटा देता हूँ क्योंकि आई थिंक दिस इज नॉट नेसेसरी इसको हटा दिया सेव किया कोई एरर नहीं आया ठीक है हमारा सारा चीज प्रॉपरली हो रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं हमारा आर्टिकल मॉडल ये भी अटैच है इसको हटा देता हूँ एट द रेट इनपुट डेकोरेटर यूज़ कर रहा हूँ ठीक है आप लोग जानते हो मुझे कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कम्युनिकेशन कराना है तो मैं यहाँ इनपुट डेकोरेटर का यूज़ कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आर्टिकल कंपोनेंट का डेटा को मुझे मतलब ऐप कंपोनेंट डॉट डेटा पे ले जाना है तो एक काम करता हूँ सारा डेटा ले जाने के लिए मैं यहाँ पे एज ए इनपुट डेकोरेटर यूज़ कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आर्टिकल्स को एज ए न्यू आर्टिकल्स यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ तो सबसे सब पहले मुझे उसके लिए मैं जो हटा दिया था मॉडल को मॉडल मुझे चाहिए तो मैं यहाँ इम्पोर्ट लिखा सॉरी इम्पोर्ट एट द रेट इनपुट पैरेंथिस और यहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ करेंगे आर्टिक कल क्या है क्या है क्या है ठीक <laughs> है यहाँ आर्टिकल्स लिए पेस्ट कर दिए और यहाँ पर मैं कॉलन आर्टिकल ठीक है अब अधिकर हट है गया यहाँ से ठीक है तो अब हम सिंपली यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था बस बस सिंपल से इतना सा कोड लिखना था इससे क्या होगा कि हमारा जो इस मतलब पर्टिकुलर आ, इसका डेटा पूरा का पूरा हमारा ऐप कंपोनेंट. डॉट टी पे जला जाएगा ठीक है तो अगर आप लोग को इनपुट डेकोरेटर वगैरह आउटपुट डेकोरेटर के बारे में नहीं पता है तो आप कमें हमें कमेंट बताइए हम इसको रिप्लाई देंगे और वैसे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो पड़ा है मुझे याद है मैंने बना के डाला है तो उसको देख लेना तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ठीक है तो अब हम क्या करने वाले हैं सिंपल सा एक काम करते हैं अब मैं यहाँ पे सेम वैसे ही करली ब्रैकेट के साथ वो चीज़ पास करूँगा यहाँ पे ठीक है तो, आर्टिकल्स कॉपी किया पेस्ट किया डॉट वोट लिख दे डायरेक्टली क्योंकि हमें अब एरे के लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है अब हमें सिंपली इस तरीके से वर्क कर सकते हैं तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा सा मेरा आई थिंक गलत मैं कर रहा हूँ ठीक है गलत इसलिए कर रहा हूँ कि जो बेसिक गलती करते हैं लोग वो कैसे हो सकता है कैसे सॉल्व हो सकता है उसको समझना आ, बताने का मोटिव यही है कि एरर बेसिकली इसलिए बताता हूँ कि आपको एरर फेस करने की मतलब क्षमता आ जाए जिससे कि आप समझ नहीं पाते हो ना कि यार कैसे एरर हो गया क्या एरर हो गया अब मैं क्या करूँ हड़बड़ा जाते हो तो वो चीज़ यहाँ से दूर हो जाएगी आपकी एकदम ईजी तरीके से ठीक है तो देखो यहाँ पे मैंने आर्टिकल डॉट लिंक आर्टिकल डॉट टाइटल आर्टिकल डॉट वोट्स कर दिया सेव किया अब एक बार ब्राउज़र पे ज़रूर मुझे आना चाहिए और चेक करना चाहिए कि क्या है और यहाँ पे सबसे सब पहले तो मुझे एज ए टू वे बाइंड करना पड़ेगा आर्टिकल को तो मैंने यहाँ आर्टिकल्स लिया इज इक्वल आर्टिकल कर दे रहा हूँ सेव कर दूँगा यहाँ पर भी एरर आने लगा ठीक है क्यों आ रहा है भैया क्या इशू है यहाँ वाली इशू तो समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे इशू यहाँ पे आर्टिकल्स आर्टिकल अगर मैंने एक वेरिएबल लिया आर्टिकल्स नाम से उसमें यहाँ पे ये है यार आई थिंक बाइंडिंग टू वे वाइंडिंग में इसको मैं करली ब्रैकेट में तो नहीं लिख सकता यार ब्रैकेट में तो वर्क नहीं करेगा नहीं ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा टू वे बाइंडिंग में ऐसा कुछ सीन नहीं है ना बाइंडिंग में ऐसा कोई सीन है एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड आई थिंक आर्टिकल्स में आया मैं यहाँ पे ये चेक किया अच्छा ये सही है यहाँ पर ये भी सही है और यहाँ पे आर्टिकल भी सही है और जब यहाँ पे सारी चीज़ सही है तो एरर क्या आ रहा है अच्छा ये वाला आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट होगा देखो गलत यही था ठीक है अब एक बार सेव कर लेता हूँ एक बार सेव करता हूँ अभी बर अरे यार ये नहीं 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 ये हमारा वो वाला आर्टिकल रहेगा ये सही है हमें डेटा बाइंड कर रहे हैं तो डेटा बाइंड करने में काम करते हैं कहा कंपनी डॉट ई में आया हम इसको यहाँ से लिया ठीक है आर्टिकल से तो सही है और यहाँ पर ये आर्टिकल सब होगा ठीक है वो सेव कर रहा मैं अभी आ रहा, रहा है ठीक है एक्चुअली वो आर्टिकल्स की स्पेलिंग मिस्टेक था अब देखो हमारा प्रॉपरली डेटा आने लगा ठीक है अब यहाँ पे कुछ भी पुश करूँगा तो खटाक से पुश होगा क्लिक किया देखो सेव किया सबसे नीचे आते हो आप लाता हूँ देखो ए एस एफ जी और हमारा लिंक जो है ज़ीरो पॉइंट है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं ठीक है हमारा एरर दूर हो गया हमारा डेटा पोस्ट होने लगा डेटा पोस्ट होने लगा रियल टाइम डेटा दिखाने लगा जो भी डेटा आप पुश कर रहे हैं वो सारा का सारा डेटा दिखा रहा है कोई एरर नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है अब एक काम करते हैं हम इसमें थोड़ा सा थो, एकदम अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं थोड़ा सा पहले इसकी इसमें कुछ चीज़ फिनिशिंग में करते हैं फिनिशिंग में जैसे सबसे पहले तो अपन को वोट मेथड कॉल करना है ठीक है वोट मेथड कॉल करने का मतलब है कि वोट आपको सिंपली एक मेथड बनाऊंगा और यहाँ कर लिब्रिकेट ओपन क्लोज करूंगा हमने आर्टिकल को कॉल ही किया दिस डॉट आर्टिकल्स डॉट वोट अप नाम का मेथड बनाया था हो गया और कुछ नहीं करना और यहाँ पे अब इसी की तरह कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर देना है देखो हमने मॉडल मॉडल के अंदर मेथड बनाया और मॉडल के मेथड को यहाँ पे कॉल कर ले रहा हूँ बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ ठीक है वोट डाउन किया अब इस वोट अप वोट डाउन को क्या करूँगा मैं कॉल कर लूँगा अपने एस में ठीक है तो काम करता हूँ इन दोनों मेथड को कैसे कॉल करें आज कल में आना है वोटअप पर आना है और यहाँ पर स्पेस क्लिक मेथड क्लिक मेथड के थ्रू करना है और यहाँ पर वोटअप पे क्लिक कर देना सॉरी वोटअप मेथड जो है हमारा कॉल कर लेना अंडरस्कोर यूपी ठीक है और इसी को सिंपली सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी क्लिक मेथड कॉल करना है क्लिक इवेंट कॉल करना है बार बार मेथड निकल आता है यार समझ लेना माइंड मत करना वोट अंडर स्कोर डाउन ठीक है और साथ में पैरेंथेसिस लगाना मत भूलिएगा मैं भूल गया इस पर पे भी पैरेंथिस लगा दीजिए ठीक है उसके बाद सेव कर लीजिए सेव करने के बाद चलिए अब एक बार आ, वोटिंग करके देख लेते हैं कि वोट अप हो रहा है वोट डाउन हो रहा है कि नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है आते हैं ब्राउजर पे चलो सबसे पहले वाले को वोट अप करते हैं क्लिक करें रहे हैं सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन वाह वोट डाउन भी हो रहा है वोट अप वोट डाउन दोनों वर्क कर रहा है बट यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि वोट अप और वोट डाउन इट्स नॉट लुक लाइक कूल इट्स अ जस्ट जस्ट अ टेक्स्ट क्योंकि ये टेक्स्ट पे मैं क्लिक हो रहा है क्लिकेबल बना दिया हूँ तो इसको एक थोड़ा सा बटन का व्यू देते हैं चलो यहाँ पहले एक कोई भी डमी डेटा डालते हैं सी एस एस ट्यूटोरियल डालते हैं ठीक है सी एस एस ट्यूटोरियल रियल टाइम डेटा डालते हैं और यहाँ पे टेस्टी कोडीज देता हूँ कोडीज तो सही लिख दो भाई मेरे ठीक है सबमिट किया और सबमिट करते ही देखो हमारा डेटा आ गया अब इस वोटअप पे मैं ऐसा चाहता हूँ कि जैसे ही अगर ऊपर वाले से वैल्यू बढ़े ये ऑटोमेटिकली ट्रेंडिंग पे शिफ्ट हो जाए मतलब टॉप पे शिफ्ट हो जाए जैसे होता है नहीं कि जितना ज़्यादा व्यू होगा उतनी टॉप पे वीडियो दिखेगी आपको उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जितना टॉप पे आ उतना टॉप पर दिखें ठीक है तो ये सारी फंक्शनलिटी हम ऐड करेंगे उससे पहले यहाँ पे एक बटन कॉल करते हैं बी टी एन बीटीएन आईफन सक्सेस ठीक है यहाँ पे हम बीटीएन बीटीएन सक्सेस क्लिक कर लिए हैं और यहाँ पर भी बीटीएन बीटीएन डेंजर कर देंगे डिसलाइक को रेड कर दिया और लाइक को ब्लू या ग्रीन कर दो ब्लू कर दिया हूँ मैं ठीक है सेव कर दिया सेव करने के बाद अब देखो यहाँ पे कितना प्यारा से दिख रहा है बस सटा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है देखो वोटअप वोट डाउन दोनों हो रहा है और अब एक काम करते हैं हम सबसे पहले तो ऐट द रेट एन बी एस पी यूज़ कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा गैप हो जाए दो बार यूज़ करते हैं दो वर्ड का स्पेस हो जाए बटन्स के बीच में जिससे कि थोड़ा सा अच्छा दिखे ठीक है थीके? आप देखो थोड़ा सा गैप हो गया ना ओके अभी हम यहाँ पे एक काम करते हैं यहाँ पे एक आते हैं हम थोड़ा सा यहाँ लाइक और डिसलाइक का फाफा आइकन ऐड कर लेते हैं ठीक है लाइक फाफा आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फफा आइकन एक तरीके का फॉन्ट ऑसम आइकन है वहाँ पे लिखा जाता है एफ़ एफ ए आइकन सो दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं मतलब डेवलपर्स डिज़ाइनर बोलते हैं ज़्यादातर फफ़ा आइकन सो मैं सुनाऊँ काफ़ी तो इस वजह से मैं भी यूज़ करता हूँ फफा आइकन तो ठीक है एक काम करते हैं लाइक है यहाँ पे डिसलाइक का भी सर्च कर लेते हैं तो ये फटाक से मिल जाए तो इस दोनों को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लूँ जिससे कि इजी हो जाए ठीक है तो यहाँ पे मैं आया और लाइक 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 ये अप ये रहा ठीक है जो भी आप देना चाहो तो मैं इस वाले को ब्लैंक वाला आउटलेट वाला को करता हूँ अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ जिससे कि इसका मुझे कोड मिल जाए डिसाइक का ये है ठीक है तो डिसलाइक वाले का हमें कोड यहाँ पे ईजली मिल गया तो इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लिया कॉपी कर लेना आपको भी कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने ब्राउज़र पे और सॉरी अपने एडिटर पे और यहाँ पर आपको जो बट लिखा है डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड इस पर पेस्ट कर देना है तो डाउनवर्ड वोड पर पे मैं पेस्ट कर दिया और लाइक वाला कहाँ गया लाइक वाला मिल जाए भाई ये रहा ठीक है तो लाइक वाला ये रहा इसको सिंपली यहाँ पर है ये सारा टैग इसको आप कॉपी कर सकते हो पहली बात तो कॉपी नहीं होगा कॉपी करोगे तो ठीक है देखो मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ तो उल्टा सीधा टेक्स्ट आ जाएगा ये देखो आ गया तो इसको रिमूव करो ऐसे कॉपी नहीं करना वहाँ पर डायरेक्टली बटन है उस पर डायरेक्ट क्लिक करना है क्लिक किया कॉपी हो गया ठीक है अब इसको यहाँ पर पे पेस्ट कर सकते हो तो आजकल सारा चीज़ नए स्टाइल में है चलो अब हम सेव करते हैं देखो लाइक और डिसलाइक का बटन आ गया लाइक पे क्लिक करें लाइक हो रहा है डिसलाइक पे करें डिसलाइक हो रहा है पॉइंट ठीक है वोट एंड डाउन वोट अब हमारा बहुत अच्छा बहुत शानदार प्रोजेक्ट दिख रहा है बट अभी जो लास्ट वाला मेथड इंप्लीमेंट करना है वो तो मैंने बोला ना कि अभी मुझे शॉर्टिंग करनी है कि जैसे ही टॉप पे जाए वैसे खटाखट इसको ऊपर कर दे शिफ्ट कर दे जितना ज़्यादा वोट मिले उतना टॉप पे प्रोजेक्ट रहे हमारा ट्रेंडिंग पे रहे यही खास बनाती है हमारे रेडिट एप्लीकेशन को यही खासियत यह बेस्ट बनाती है हमारी यूट्यूब एप्लीकेशन को ठीक है जिससे कि वीडियो ज़्यादा व्यू वी होगा तो टॉप पे रहेगा कम व्यू होगा तो डाउन पे रहेगा तो वही चीज़ है तो यहाँ पे स्टोर डेटा नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसको एज ए आर्टिकल रिटर्न करा रहा हूँ ठीक है आर्टिकल से रिटर्न करा रहा हूँ और यहाँ पर स्टोर डेटा कर दे रहा हूँ कि डेटा भी हमारा स्टोर होता रहे प्रॉपरली सो so, सिंपली यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखना है कर, uh, एरे के अंदर आना है और कर ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देना है यहाँ पे रिटर्न कराना है रिटर्न दिस डॉट दिस डॉट आर्टिकल्स डॉट शॉर्ट यहाँ पे शॉर्ट करेंगे ठीक है शॉर्टिंग आप लोग जानते होंगे अगर थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो यहाँ एज ए और बी वैल्यू लूँगा मैं ठीक है दोनों की वैल्यू ए टाइटल ले रहा हूँ बी लिंक ले रहा हूँ ए आर्टिकल्स कामा बी आर्टिकल्स ठीक है अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पर मैं जो लिखने चल रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ठीक है आई होप कि आप लोग को समझ में यहाँ कॉल बैक के थ्रू हम इसको कॉल बैक किए एयरबैक फंक्शन के साथ और यहाँ पर बी माइन नहीं स्लैश नहीं भाई बी डॉट वोट वोट्स माइनस सॉरी माइनस ए डॉट ठीक है और इसको एक सेकेंड एरर क्यों आ रहा है भाई हम्म 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 इसको मैं यहाँ से तो इसको कॉल कर लूँगा एक सेकेंड थोड़ा सा ये एरर क्यों आ रहा है इसको देख लूँ बस लास्ट चीज़ है और ऑलमोस्ट हमारा प्रोजेक्ट डन हो चुका है बस इसको मैं थोड़ा सा रिटर्न कराने के लिए आई थिंक ये बोलेगा ये देखो ऐड ए रिटर्न स्टेटमेंट ओके नॉट इन इशू आई विल रिटर्न इट तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया क्योंकि जब भी हेरो फंक्शन यूज़ करते हो तो और डेटा को रिटर्न नहीं करते हो ठीक है तो अब मैं आता हूँ ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में और यहाँ पर इसको एज ए स्टोर डेटा पे रिटर्न कराता हूँ सेव करता हूँ और बूम गाइज ये हमारा प्रोजेक्ट डन हो चुका है और जैसे ही यहाँ पे कुछ पोस्ट करते हो चलो कुछ भी पोस्ट करके दिखाता हूँ एंगलर एंगुलर लव लव ठीक है जो भी लिखना चाहो यार कोई इशू नहीं है और यहाँ मैं लिखता हूँ टेस्टी कोडीज ठीक है सबमिट किया डेटा हमारा सबमिट हुआ चलो दिखा देता हूँ अब देखो तीन डेटा है एस्टिमेट्री जैसे चार करूँगा या शिफ्ट हो गया ऊपर देखो ऊपर होता चला जा रहा है एंगुलर लब लब्ड आ गया सिक्स ठीक है और इसे बढ़ाता चला जाऊंगा जाऊँगा तभी तो और टॉप पे हो जाएगा देखो इसको मैं थर्टी कर दिया अब देखो इसको डाउन कर रहा हूँ जैसे थर्टी से डाउन हुआ वैसे एंगुलर लब्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा देखो एंगुलर लब्ड ऊपर शिफ्ट हुआ टॉप पे आ गया ठीक है तो ये रहा सबसे बेस्ट ट्यूटोरियल एंगुलर ट्वेल्व रेडिएट क्लोन प्रोजेक्ट अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो आप में कमेंट में जरूर बताएं और इतना ज़्यादा मतलब मेहनत करता हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगता है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं मैं उसका डेफिनेटली सॉल्व करूँगा इस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बट आपको वीडियो प्रॉपर मैं दे रहा हूँ तो प्लीज़ यार आप लोग मेरा सपोर्ट करें हेल्प करें मिलते हैं वीडियो में तब तक लेबा बाय कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग टेक केयर गाइज